केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार। तो शैक्षिक परिदृश्य का ये टॉपिक है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि जो राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है वो कौन कौन सी है, जो विद्यार्थियों के, यानी जितने भी योजनाएं जो राजस्थान में और केंद्र सरकार से चलाई जा रही है वो विद्यार्थियों से रिलेटेड कौन कौन सी है, केंद्र की और राज्य की, राज्य सरकार की दोनों की जो योजनाएं हैं जो विद्यार्थियों के हित में है वो सारी योजनाएं और पुरस्कार, उनके विषय में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यही हमारा टॉपिक रहेगा। अब हम देखेंगे समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान को समसा के नाम से भी जाना जाता है, SMSA। इसको SMSA समसा के नाम से भी जाना जाता है। यह तीन क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया गया था, जो तीन योजनाएं पहले चलती थी वो तीन योजनाएं कौन सी है। पहली है SSA समग्र शिक्षा अभियान। यह कक्षा एक से लेकर के आठवीं तक चलती थी। दूसरी है रमसा RMSA, ये कक्षा 9 से 12वीं क्लास चलती थी। और तीसरी थी शिक्षक शिक्षण। तो इन तीनों को मिलाकर के समसा कर दिया गया। समग्र शिक्षा अभियान का संचालन किया जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया गया था। और अब इसका नाम बदल करके विकास मंत्रालय कर दिया गया है। अब इसको विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। समग्र शिक्षा अभियान, इसकी घोषणा 24 मई 2018 को इसकी घोषणा की जाती है केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। और 1 जुलाई 2018 में इसको लागू कर दिया जाता है।
1 जुलाई 2018 में इसको लागू कर दिया जाता है और यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है और इसमें इसका नारा है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। नारा क्या है? सबको शिक्षा। अच्छी शिक्षा। सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा ये इसका नारा है। इसमें जो खर्च आता है उसका 60% तो केंद्र देता है खर्च का व्यय केंद्र के द्वारा दिया जाता है यानी 60:40 इसका खर्च होता है 60% केंद्र देता है और 40% राज्य सरकार देती है। और राज्य सरकार देती है। राजस्थान में इसका संचालन किया जाता है राजस्थान स्कूल राज्य में इसको लागू करता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा। राजस्थान राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ये कहाँ पे है? जयपुर में है। जयपुर में स्थित है और इसकी शॉर्ट फॉर्म है RCFSE RCFSE। समसा का उद्देश्य है कक्षा यानी कि जो पूर्व प्राथमिक कक्षा पूर्व प्राथमिक कक्षा से लेकर के कक्षा 12 तक की शिक्षा को शिक्षा में गुणवत्ता लाना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और विकास करना। तो पूर्व प्राथमिक कक्षा यानी आंगनबाड़ी से पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12वीं तक ये योजना लागू की गई है और शिक्षा में गुणवत्ता जो शिक्षा की गुणवत्ता है
इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा में गुणवत्ता लाना और सुधार करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार ने इस योजना का बजट रखा था 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए। तो 75,000 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया था। समसा के तहत देश के सभी विद्यालयों में एक घंटे यानी कि एक घंटे शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। एक घंटे शारीरिक शिक्षा एक घंटे एक घंटे शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। एक घंटे शारीरिक शिक्षा दी जाएगी और जितने भी विकलांग बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए 200 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। तो ये था समग्र शिक्षा अभियान का के बारे में जानकारी है। फिर इसके बाद में हम अगली विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं लेंगे। के द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये है बालिका शिक्षा फाउंडेशन का आरंभ 30 मार्च ९५ को किया जाता है। ३० मार्च ९५ से कार्यरत है और इसका संचालन किया जाता है शिक्षा संकुल जयपुर द्वारा। इसका बजट रखा गया है 1 करोड़ रुपए। इसका बजट 1 करोड़ रुपए रखा गया है और इसके अध्यक्ष होते हैं अध्यक्ष मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री। यह राज्य सरकार की योजना है। योजना किसकी? राज्य सरकार की।
अब बालिका शिक्षा फाउंडेशन के उद्देश्य, तो इसके कौन कौन से, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यालय में बालिकाओं का 100% यानी कि 100% बालिकाओं का ठहराव नामांकन हो, सौ प्रतिशत ठहराव होना चाहिए लड़कियों का, मतलब लड़कियों का ठहराव और नामांकन दोनों कितने होने चाहिए, 100% होने चाहिए। और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर परिवार की बालिकाओं को उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। जो लड़कियां गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं उन लड़कियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, लड़कियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी उच्च शिक्षा के लिए व तकनीकी शिक्षा के लिए। तकनीकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, बालिका शिक्षा फाउंडेशन में शुरुआत में यानी कि 30 मार्च 1995 में 1 करोड़ रुपए यानी 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए जमा करके ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शुरुआत की थी, और आज ये पैसे बढ़ करके कितने हो गए, 204 करोड़ रुपए 204 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो 204 करोड़ रुपए हो चुके हैं, और इसी पैसे के द्वारा 8 योजनाएं चलाई जाती हैं राजस्थान सरकार द्वारा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 8 योजनाएं कार्यरत हैं। आठ योजनाएं चल रही है, उन 8 योजनाओं के नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली है बालिका प्रोत्साहन योजना, बालिका एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। तो पहली है बालिका प्रोत्साहन, बालिका प्रोत्साहन योजना ये केवल कक्षा 12 के लिए है,
ये केवल 12वीं कक्षा में कार्यरत है। गार्गी पुरस्कार, दूसरे नंबर पे गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार दिया जाता है केवल 10वीं की लड़कियों को दिया जाता है, जो 10वीं क्लास की लड़कियों को दिया जाता है। टेंथ क्लास की लड़कियों को दिया जाता है, जिन लड़कियों के गार्गी पुरस्कार उन लड़कियों को दिया जाता है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, उनको दिया जाता है 6,000 रुपये, इसमें राशि दी जाती है। और अब इसको योजना को 2017-18 से मॉडल स्कूलों में चालू कर दिया गया। मॉडल स्कूलों में इसलिए चालू कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज नहीं बनती, वहाँ पर पीजीडीसीए बनती है। तो 8 से 10 जो बनती है पीजीडीसी, यानी कि एक तरह से ये परसेंटेज नहीं होती, ये रैंक होती है उस हिसाब से। तो ये मॉडल स्कूलों में, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में भी गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। फिर अगली तीसरी योजना है आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना ये भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन से ही संचालित है। फिर है नंबर चौथी है अगली आर्थिक सबलता योजना। तो जो आर्थिक सबलता योजना है, ये दो योजना है, एक तो 2000 आर्थिक सबलता योजना ये दो योजनाएं हैं, एक तो विकलांग बालिकाओं के लिए हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग है, और एक जो है ये मूक बधिर और जो आँख कान नाक से जो प्रभावित है, पीड़ित है, आँख कान नाक यानी कि मूक बधिर यानी बहरे और आँख यानी नेत्र से जो पीड़ित है उनके लिए ये योजना है, आर्थिक सबलता योजना लड़कियों के लिए है। तो ये पांच योजना ये हो गई। तीन योजना और है, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, छठे नंबर की है इंदिरा। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना है। सातवें नंबर की हमारी बेटी योजना, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मिक्स नहीं होगा, तो मैं इसको नीले कलर में चेंज कर देता हूँ। तो जो सातवें नंबर की है, और सातवें नंबर की जो योजना है वो है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और आठवें नंबर की है
विदेश में उच्च शिक्षा व स्नातक शिक्षा योजना। विदेश में स्नातक शिक्षा योजना। स्नातक शिक्षा योजना तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत ये 8 योजनाएं चलाई जा रही है राज्य सरकार द्वारा। अब इनके विषय में विस्तार से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम आगे की जो राज्य सरकार की और जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजना वो देखते हैं। तो हमने ये 8 योजनाओं के विषय में तो देख लिया। ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन में आती है राजस्थान सरकार की ओर से। इनके अलावा 6 योजनाएं और हैं, वे भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत आती है। तो 9वें नंबर की कौन सी है? 9वें नंबर की है नन्ही कली योजना। नन्ही कली योजना। फिर इसके बाद निशुल्क स्कूटी वितरण योजना, यानी लड़कियों को निशुल्क स्कूटी वितरण भी दिया जाता है। तो ये निशुल्क स्कूटी वितरण। अब इन्हीं योजनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताना, हम उसके लिए आपको वीडियो बना देंगे। तो निशुल्क स्कूटी, अगली 11वीं योजना है कस्तूरबा गांधी एसटीडीआर। कस्तूरबा गांधी फिर अगली है साइकिल वितरण योजना। बारहवें नंबर की है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। ये लड़कियों को दी जाती है, कक्षा 9 से ही दी जाती है। फिर अगली है बाउचर योजना। अगर लड़की साइकिल नहीं लेती है तो उनको आने जाने के लिए बाउचर दिया जाता है किराया भाड़े के लिए, तो बाउचर योजना। तो दोनों में से कोई सब ले सकती है, साइकिल ले सकती है, बाउचर ले सकती है। फिर अगली है चौदह भी है लैपटॉप। तो मेधावी छात्राओं के लिए लैपटॉप दिया जाता है। तो ये है राज्य सरकार बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से 14 योजनाएं। इन 14 योजनाओं के बारे में आप पढ़ लो, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इन्हीं योजनाओं के बारे में, 14 योजनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। अगर आपको नहीं आता समझ में तो हम आपके इसके लिए वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।